नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SSC-GD के लिए सेकंड पेपर मैथ्स का। पेपर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम पहले ही। तो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 16 आदमी 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब उसी कार्य को, यानी जो काम 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में करते हैं, उसी काम के बारे में पूछा है कि 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितने दिन में उसे पूरा करेंगे। तो काम दोनों के द्वारा किया गया वह है वो बराबर है। तो आप इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। यहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा हमारे को पूछा गया कुल कार्य, और यही कार्य अगर 28 आदमियों के द्वारा 12 घंटे रोजाना काम करके करवाया जाता है तो उनके द्वारा लगे गए दिनों की संख्या पूछी है। तो ये दोनों काम बराबर हो जाएंगे। बराबर इसलिए हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वही काम, यानी ये एक काम था, वही काम आप 28 आदमियों से रोजाना 12 घंटे करवाते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 12 से ये 12 को कट कर देंगे, 14 से ये हो जाएगा 2 बार और 2 से ये हो जाएगा 8 बार। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 28 आदमी अगर रोजाना 12 घंटे काम करे तो 28 दिन के अंदर उस कार्य पूरा हो जाएगा, सॉरी 8 दिन के अंदर वो कार्य पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये हो जाती है, 1725 रुपये हो जाती है। 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 20% उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है। राशि बताइए। क्वेश्चन है कि कोई एक राशि है जो 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये हो जाती है, और यदि 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर रखें तो उतने ही समय में, जितने समय में 15% लग रही थी उतने ही समय में 20% दर से वो 1800 रुपये हो जाएगी, यानी समय जो दिया गया है वो समान है। तो हम ये मान सकते हैं कि 15% की बजाय 20% रखा जाता है, तो आप एक्स्ट्रा दर कितनी लगा रहे हैं, 5%, और इस 5% अतिरिक्त दर के कारण 1725 रुपये की बजाय आपको 1800 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो 5% अधिक दर हुई वो 75 रुपये के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1% जो दर होगी वो किसके बराबर होगी, यानी 75/5। इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हैं कि 15 रुपये के बराबर, 1% जो दर है वो 15 रुपये के बराबर होती है। आपसे पूछा है वो राशि कौन सी होगी, तो कोई भी राशि अपने आप में कुल 100% होती है। आपसे उस राशि के बारे में पूछा, इसका मतलब 100%, तो 15 × 100 यानी वो राशि जो है वो हो जाएगी 1500 रुपये। तो आपसे पूछी गई राशि कौन सी हो जाएगी 1500 रुपये। कोई भी राशि या कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण रूप से होती है तो 100% होती है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर 20% अधिक लिखता है। और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए, विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। एक कोई दुकानदार है या विक्रेता है जो अपने जो वस्तुएं हैं उन पर जो भी उसका लागत मूल्य होता है उससे 20% अधिक अंकित कर देता है, और जब उसके द्वारा ये बेची जाती है तो वो ग्राहक को ये बोल के बेचता है कि उन्हें 10% की छूट दी जा रही है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका मूल्य 100 रुपये होगा उस पर वो अगर 20% अंकित करेगा अधिक बढ़ाकर, तो 100 का 20% 20 ही होगा। इसका मतलब जो 100 रुपये की मूल्य की वस्तु थी उस मूल्य उस वस्तु पर 120 रुपये अंकित करेगा, और अब वो 120 रुपये पर आने वाले ग्राहक को ये बोलेगा कि आपको 10% की छूट दे दी गई है। तो 120 का 10% होता है 12 रुपये, यानी वो 120 रुपये पर उस ग्राहक को 12 रुपये की छूट दे देता है। मतलब वो ग्राहक से 108 रुपये लेता है, तो जो वस्तु थी वो उसके लिए 100 की थी और उसने उसे 108 रुपये में बेच दी। इसका मतलब वो उस वस्तु पर 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो जो विक्रेता था उसका लाभ प्रतिशत हो गया 8%। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के दस दिन बाद राजा ने कार्य या काम शुरू किया। कार्य पूरा कितने दिन में होगा,
क्वेश्चन बोल रहा है, एक कोई काम है, यदि उस काम को राजा करने जाता है तो वो 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसी काम को अगर रमेश द्वारा किया जाता है तो रमेश उसे काम को पूरा करने में 25 दिन लेता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश ने काम को शुरू कर दिया और रमेश अकेला ही 10 दिन तक काम करता है, और उसके बाद राजा उसके साथ आता है, तो कुल कार्य पूरा कितने दिन में होगा? ये बोला गया है कि कार्य जो है वो पूरा कितने दिन में होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि राजा जो है वो उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि रमेश जो है वो उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। इनका जो एलसीएम लेंगे हम, तो जो हमें प्राप्त होगा वो निकलेगा कुल कार्य, यानी जो कार्य हमें करवाना है, चाहे वो राजा करे या रमेश करे, तो इनका एलसीएम आएगा 100। इसका मतलब कुल कार्य जो है वो कितना है? 100 है। और 100 कार्य को राजा 20 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि राजा एक दिन में 5 कार्य करता है, जबकि रमेश उसी 100 कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रमेश एक दिन में 4 कार्य करता है। अब वो कह रहा है कि शुरुआत रमेश ने की है, रमेश काम को शुरू करने के 10 दिन बाद राजा आता है, तो जब रमेश ने शुरुआत की है तो रमेश के द्वारा कुल कार्य 10 दिन में जो किया गया है वो क्या होगा? रमेश का 10 दिन का कार्य, एक दिन में रमेश 4 काम करता है, तो 10 दिन में कुल रमेश 40 काम पूरा कर देगा। एक दिन में रमेश जो है वो 4 काम पूरा करता है, तो 10 दिन में 40 काम पूरा कर देता है। अब कुल काम था 100, 100 में से 40 काम अकेले रमेश के द्वारा किया गया, शेष कार्य बचा 60, और इस 60 को वो दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि रमेश अभी कहीं गया नहीं है, रमेश के साथ में राजा भी आ गया है, तो अब दोनों करेंगे, तो राजा 5 काम करेगा एक दिन में, जबकि रमेश 4 करेगा, तो कुल दोनों मिलकर 9 कार्य करेंगे। इसका मतलब जब रमेश और राजा दोनों आते हैं तो उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें 9 का भाग देंगे तो 54, और फिर 6/9 दिन है। इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा 2 बार और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी 6 से ही 2/3 दिन। तो 6 से ही 2/3 दिन तो रमेश और राजा दोनों मिलकर काम करते हैं शेष कार्यों को पूरा करने के लिए, जबकि 10 दिन रमेश अकेला काम करता है। इसने पूछा था कुल कार्य पूरा कितने दिन में होगा, तो कुल कार्य हो जाएगा 10 + 6 = 2/3, यानी 16 = 2/3 दिन में पूर्ण हो जाएगा। कुल कार्य 16 = 2/3 दिन में पूर्ण हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है, एक सम वृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है, और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, शंकुओं में
डाला जाता है, ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बनने वाले नए शंकुओं की संख्या कितनी होगी, ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। मतलब जो शंकु है उस शंकु का पहले ढलाने के बाद या गलाने के बाद आयतन होगा, उस आयतन से हम नए शंकु बना रहे हैं उसी आकृति का। तो हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। r होता है उस शंकु की वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या और h होती है उसकी हाइट। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपसे जो नए शंकु बनेंगे उनकी आकृति पूछी जाती है, तो उसमें आप निकाल सकते हैं जो बड़ा शंकु है जिसको हम गड़ा रहे हैं उसका आयतन और उसमें भाग दे देंगे जो छोटे शंकु है उसके आयतन का। तो बड़ा शंकु हो जाएगा 1/3 πr², बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो है 15 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 × 15, और एच है उसकी ऊंचाई, बड़े वाले शंकु की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। उससे हम छोटे शंकु में बदल रहे हैं तो वो हो जाएगा 1/3 πr², आर यहाँ पे त्रिज्या जो है छोटे वाले की वो है आधार त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 1.5 × 1.5 × h, एच जो है उसकी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए ये जो है उसमें भाग चला जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 10 बार, इसका भी चला जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा 4 बार और 1/3 π से 1/3 π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार नए बनने वाले शंकुओं की संख्या जो है वो आ जाएगी 400, यानी बनने वाले नए शंकु 400 हो जाएंगे। ये घन और घनाभ गोले में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें भी वही करना है, जो बड़ी आकृति है उसका आयतन और उसमें छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दिया जाएगा। अगर किसी भी पदार्थ को गड़ाकर हम नई आकृतियों में डाल रहे हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, √0.000441, इसका आपसे पूछा है रूट क्या होगा। तो इसका रूट जो है आप आराम से निकाल सकते हैं कि इनका जो रूट होगा वो हो जाएगा 21। आप इसका निकालेंगे सिर्फ इसका जो 441 है इसका 21 होता है तो ये हो जाएगा 21 और 21 होगा तो उसमें 4 डिजिट ली जाएगी और आगे हो जाएगा 0, यानी 0.0021 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज सत्तरवीं पारी में 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत तीन रन बढ़ जाता है। सत्तरवीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। सत्तरवीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाने के कारण उसका औसत बढ़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले यानी 16वीं पारी तक उसका औसत 87 रन से कम था, तभी तो 87 रन बनाने से उसका औसत बढ़ जाता है और बढ़ रहा है 3 रन, यानी टोटल 17 पारियों में 3-3 रन एक्स्ट्रा बांटे जाते हैं। इसका मतलब पहले रन जो था वो था 87 रन और अब 17 पारियों में 3-3 रन जो अतिरिक्त बांटे गए थे वो कुल है 51, यानी कि जो पहले औसत था उस औसत से 51 रन उसने अतिरिक्त बनाए थे, तो
तो उसका औसत जो है वो 3 रन से बढ़ जाता है। तो हम ये माइनस कर देंगे, इसके पास हमारे पास बचेगा 36, यानी उसका जो पहले का औसत था, पहले का मतलब 16 पारियों तक का औसत, वो औसत था 36 रन। 17वीं पारी के बाद उसका 3 रन औसत बढ़ जाता है, और आपसे यही पूछा है कि 17वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। तो 16 पारियों तक तो 36 था, लेकिन 17वीं पारी के बाद उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत जो होगा वो हो जाएगा 39 रन। ये हो जाएगा 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद में उसका औसत जो है वो 39 रन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। यदि वे प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। प्रारंभ में आम की कीमत मतलब वो अपने आप में पूरी 100% थी, यानी 100% थी। ये कह रहे हैं कि 25% का लाभ हो रहा है, वो किसी भी एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो, लेकिन यदि उस पर 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत उसका 50% हो जाता है। यानी 25 से बढ़कर आपका लाभ प्रतिशत हो रहा है 50%, इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है 25% अधिक का। तो जब 25% बढ़ रहा है वो उस आम का मूल्य 1 रुपये बढ़ाने के कारण बढ़ रहा है। इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि उसका प्रारंभ में मूल्य कितना होता है, तो प्रारंभ में किसी भी वस्तु का अपना मूल्य 100% होता है। जब 25% 1 के बराबर होगा तो 100% किसके बराबर होगा, 1/25 × 100, यानी इसको आप सोल्व कर दोगे तो आपका निकल जाएगा 4 रुपये। मतलब उस आम का प्रारंभ में मूल्य जो था वो था 4 रुपये। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीददार को 10% की छूट दे दी, विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए।
एक विक्रेता है जो अपनी किसी वस्तु पर 30% बढ़ाकर अंकित करता है या 30% बढ़ा देता है, फिर वो कह रहा है कि उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी। ठीक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। मान लेते हैं कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100 था, उसने उस पर बढ़ाकर 30% अंकित कर दिए, यानी 30% बढ़ा दिए, इसका मतलब वो उस पर अंकित कर रहा है 130। फिर जब आप खरीदने जाते हो तो उस खरीदार को वो ये बोलता है कि आपको इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, तो 130 का 10% यानी 13 रुपये की आपको छूट दे देगा, मतलब वो आपसे 117 रुपये वसूलेगा। तो जो वस्तु 100 की थी उस पर वो आपसे 117 रुपये वसूल रहा है, मतलब वो 17% का लाभ कमा रहा है, जबकि आपको वो 10% की छूट दे रहा है। ये 17% का लाभ इसलिए हो रहा है कि उसने पहले 30% की वृद्धि कर दी थी और उसके बाद आपको 10% की छूट दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पच्चीस प्रतिशत की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? एक वस्तु थी, उसको 25% की छूट देने के बाद 3600 रुपये में बेचा गया। मान लेते हैं उस वस्तु पर 100 अंकित था और उस पर 25% की छूट दे दी, तो इसको मतलब 75 रुपये में बेचा गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 75 रुपये में नहीं बेचा गया, उसको 3600 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब जो ये 75 है वो उस वस्तु के 3600 रुपये के बराबर है। आपसे पूछा उसका अंकित कितना था, तो अंकित हमने 100 माना था, वो हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा कि 75 रुपये जो है या 75% जो मूल्य है वो 3600 रुपये के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 3600/75 × 100। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 3 बार, 3 से ये हो जाएगा 12 बार और 00 है ही, 12 × 4 हो जाता है 48 00, यानी 4800 रुपये उस वस्तु पर अंकित मूल्य था जिस पर 25% की छूट देने के बाद 3600 रुपये में बेचा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% तथा 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद पी आती है, तो वस्तु की मूल्य लागत क्या थी। वस्तु की मूल्य लागत मतलब जो वस्तु 100 की थी उस पर आपने पहले 20% की कटौती की, तो वस्तु रही 80 की, और 80 पर फिर आपने 25% की कटौती की, तो 80 का 25% हो जाएगा 20 और वस्तु रह जाएगी 60 की, यानी दो अनुक्रमिक कटौती है। अनुक्रमिक कटौती का मतलब ये हुआ कि पहले आपने 20 की कटौती की, जो वस्तु का मूल्य अब बचता है उस पर फिर 25% की कटौती की जाती है। डायरेक्ट आप 20 और 25 को जोड़कर 45% की कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अनुक्रमिक कटौती है। तो वस्तु जो है वो 60 रुपये की रही है। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं कि उसका जो मूल्य लागत था वो था 100 और जो कटौती के बाद निकलता है वो 60 और ये वस्तु की पी के बराबर होता है। इसको सोल्व कर सकते हैं 5/3 पी, जो वस्तु की मूल्य लागत थी वो हो जाएगी 5/3 पी। अगला क्वेश्चन है, एक विमान 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर की दूरी आठ घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए,
250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए? तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान कितना समय लेगा? तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान कितना समय लेगा? एक सिंपल सा सूत्र काम करता है जिसमें होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये कह रहा है कि विमान है जो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यहाँ से हम उसकी चाल निकाल सकते हैं, जो गति हो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे होगी। दूरी भी आपको किलोमीटर में दे रखी है और समय भी आपको घंटे में दे रखे हैं, तो किलोमीटर जब भी आता है तो उसके साथ समय घंटे में आएगा। अगर मीटर कभी भी दूरी में आता है तो उसके साथ समय जो होगा वो सेकंड में आएगा। तो इससे हम सोल्व कर सकते हैं कि 6000 किलोमीटर की दूरी और 8 घंटे द्वारा उसके द्वारा लिया गया समय। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा 75 और उसके बाद 0, यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटे उस विमान की चाल थी। 750 किलोमीटर प्रति घंटे उस विमान की चाल के द्वारा वो 8 घंटे चलता है तो 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो कह रहा है कि यदि विमान की गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी विमान की जो नई गति होगी वो गति ये हो जाएगी, अब इस 750 किलोमीटर प्रति घंटे को बढ़ाकर 250 बढ़ा दिया तो ये हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बढ़ी हुई नई गति है, इस गति के द्वारा उसे 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय पूछा है। तो इसमें भी ये हो जाएगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल, इसी फॉर्मूले का एक पार्ट है, चाल को इधर भेज दिया तो समय यहाँ आ जाएगा और इसको सोल्व कर सकते हैं। अब वो दूरी तय करता है 9000 किलोमीटर और जो दूरी नहीं तय करता है उसको चाल जो है वो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप समय निकाल सकते हो कि उसे कुल 9 ओवर या 9 घंटे का समय लगेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की 1 निश्चित दर पर तीन वर्ष में 956 रुपये हो जाती हैं, 956 रुपये हो जाती हैं। यदि ब्याज दर चार प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो राशि तीन वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो वह राशि तीन वर्ष में कितनी हो जाएगी? एक 800 रुपए की राशि है जिस पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तीन वर्ष में 956 रुपए हो जाता है। आप चाहो तो यहां से 800 रुपए मूलधन हो गया, मिश्रधन जो है वो 956 रुपए निकल रहा है। इसका मतलब आपको 800 रुपए पर एक निश्चित दर से तीन वर्ष में 156 रुपए का ब्याज निकल रहा है। आप यहां से पहले दर निकाल सकते हो, उस दर को फिर 4% बढ़ाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 800 रुपए की राशि है, तीन वर्ष में 956 रुपए हो जाती है, कोई भी दर होगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर उस दर को 4% बढ़ा दिया जाता है तो 4% वार्षिक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब तीन वर्ष में टोटल दर जो बढ़ी हुई होगी वो हो जाएगी 12%। कितनी दर बढ़ जाएगी? 12%। यानी जो 956 रुपए की राशि होनी चाहिए थी तीन वर्षों में, वो अब
₹800 पर 12% अधिक होगी। तो हम सीधा निकाल सकेंगे, ₹800 का 12% निकाल लेंगे, ₹800 का 12% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 96, ये 00 हो जाएगा, 96 रुपये। यानी जो राशि ₹956 होनी चाहिए थी वो ₹96 अब ज़्यादा प्राप्त होगी। तो हमें जो राशि प्राप्त होनी चाहिए कुल वो होगी 956 प्लस ₹96, यानी अब जो नई राशि प्राप्त होगी वो होगी ₹1052, क्योंकि आपकी जो दर है वो 4% बढ़ा दी है, और 4% दर वार्षिक बढ़ेगी तो 3 वर्षों में 12% बढ़ेगी और प्राप्त होने वाली राशि हो जाएगी 956 की बजाय ₹1052। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट पर अंकित मूल्य ₹6500 हो तो टीवी का बिक्री मूल्य बताइए। एक दुकानदार है जो टीवी सेटों का एक स्टॉक खत्म करना चाहता है और उन टीवी के जो मूल्य है अंकित मूल्य वो है ₹6500 और उस पर आपको 12% की छूट दे देता है। इसका मतलब अब आपसे वो किसी भी वस्तु का जो टीवी बेच रहा है उस टीवियों का 88% मूल्य ही वसूलेगा। तो इसको आप सीधा ही कर सकते हैं कि टोटल ₹6500 उस पर अंकित मूल्य था, 12% की छूट दे दी, इसका मतलब अब आपसे वसूलेगा 88 और पौन में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर देंगे अपन, 00 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसको गुणा कर देंगे तो 88 का गुणा हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 8 जीरो 520 और मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा 025, यानी ₹5720 जो उस वस्तु का मूल्य होगा वो हो जाएगा अब ₹5720, 12% की छूट देने के बाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का औसत है, ए और बी का औसत आय 200 है, ए और बी की औसत आय 200 है और सी एवं डी की औसत आय 250 है। यह आपसे पूछ रहा है ए बी सी तथा डी की औसत आय क्या होगी, ए बी सी तथा डी की औसत आय क्या होगी। औसत आय पूछ रहा है आपसे, ए और बी की औसत आय 200 दे रखा है, इसका मतलब ए और बी की कुल कमाई गई पूंजी होगी, औसत आय 200 है तो कुल हो जाएगी ₹400, क्योंकि दो व्यक्ति है, 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 400 आ जाएगा। सी और डी की जो औसत आय है वो 250 है तो दोनों की मिलाकर पूंजी हो जाएगी ₹500। इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों की पूंजी हो जाएगी ₹500। अब ए बी सी डी चारों की कुल पूंजी जो है वो हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की कुल पूंजी है वो 900 हो जाएगी, और इनका अगर औसत निकालना है तो इनका औसत हो जाएगा
राशियों का योग यानी कुल 900 रुपए की पूंजी और वो चार भागों में डिवाइड कर देंगे तो इसमें भाग दे देंगे ये 25 × 9 225 रुपये, 225 रुपये औसत आ जाएगी ए बी सी डी की औसत आई। ये जो औसत हमने निकाला है वो है ए बी सी और डी का, चारों व्यक्तियों का औसत जो है वो 225 रुपये प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 25। ये जो संख्याएं हैं वो आपको देखने से पता चल रहा है कि जो सारी की सारी संख्याएं हैं वो लगातार विषम संख्याएं आ रही है और जो लगातार विषम संख्याएं आती है उनका औसत आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका अंतिम संख्या प्लस वन। अंतिम जो संख्या है वो आपकी है 25 जो कि एक विषम संख्या है और इस संख्या को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस प्रकार आपको प्राप्त होगा 13। तो इन संख्याओं का जो औसत होगा वो हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, 5:9 है और उनमें से एक की आयु, उनमें से एक की आयु 40 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु का योग बताइए, दोनों की आयु का योग बताइए। जो दो व्यक्ति है उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, मान लेते हैं दो व्यक्ति है ए तथा बी और इनकी आयु का अनुपात है 5:9। वो कह रहा है एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष अधिक है तो आप अनुपात से आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो अधिक उम्र का है। ये 5 का होगा तो ये 9:9 का होगा, इसका मतलब जो बी है वो उससे 4:4 बड़ा है और ये 4:40 के बराबर है। आपसे पूछा दोनों की आयु का योग कितना होगा तो इसका 5:5 है और इसका 4 है तो कुल योग हो जाएगा 14:4। जब 4:40 के बराबर है 14 किसके बराबर होगा, 40/4×14 यानी कुल जो योग है वो आ जाएगा 140 वर्ष, आयु का कुल योग आ जाएगा 140 वर्ष। एक चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से चार्ट बना हुआ है। कुल लब्धि प्राप्तांक यानी यहां तो दिया हुआ है कुल लब्धि प्राप्तांक और इधर दी हुई है आपके पास छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। प्राप्तांक जो 80 से 90 के बीच में प्राप्त करते हैं उन छात्रों की संख्या दी हुई है 6। प्राप्तांक जो 90 से 100 के बीच में है उनकी संख्या दी हुई है 9। 100 से 110 के बीच में है उनकी संख्या दी हुई है 10। 110 से 120 के बीच में है वो कुल है 11। 120 से 130 वाले कुल छात्र हैं 1 और 130 से 140 वाले कुल छात्र हैं 2। ये छात्रों की संख्या दी हुई है और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। 100 या 100 से अधिक वाले कुल छात्र कितने होंगे, तो ये रहा हमारा 100 का आंकड़ा और 100 और 100 से अधिक वाले सारे छात्र कितने होंगे। तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ के बीच में कितने छात्र आए हैं, तो 100 से अधिक वाले हम टोटल ऐड कर देंगे, कुल हो जाएगा हमारे पास 10+11+1+2, कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 24। 100 या 100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 24। एक और इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि 130 से 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। आपसे ये पूछा है 130 से 140 के बीच में से कितने छात्र हैं
जो अंक प्राप्त करते हैं, तो 130 से 140 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देखकर आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 243,000 को किस लघुतम संख्या से विभाजित किया जाए कि प्राप्त संख्या 1 पूर्ण घन हो, आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 9, 3, 27 और 1। हम इसको ऑप्शन को लेकर चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 243,000 को किस लघुतम संख्या से विभाजित किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, तो हम सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन कि जो 9 से विभाजित करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो अगर इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो संख्या हमें प्राप्त होगी 9 × 2 = 18 और फिर 63, 9 7 बार जाएगा और 000, यानी 27,000 की संख्या प्राप्त होगी। हमें यह पता होना चाहिए कि 27,000 जो संख्या दे रखी है वो एक पूर्ण घन संख्या है। तो 27,000 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या है। 27,000 का अगर आप घन निकालते हो तो 000 जो है वो 10 में बदल जाएगा और 27 जो है वो एक 3 का घन है। इसका मतलब 27,000 जो है वो 30 की घन संख्या है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए 9। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ 3 वाला, जैसे हमने लिख दिया 243,000 और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 81,000। तो यहाँ 81 जो है वो किसी भी संख्या की पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 9 का, लेकिन पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार ये भी नहीं होगा और आगे की संख्याएं भी नहीं होगी क्योंकि हमारा जो आंसर था वो इसी में मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को ६२% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों से चुना गया, डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, जबकि कुल 2 उम्मीदवार मैदान में थे। अब कुल जो भी चुनाव होता है कॉलेज में और कहीं भी चुनाव होता है तो उसमें कुल डाले गए मतों की संख्या होती है वो 100% होती है, यानी कुल 100% मत थे और उसमें 2 उम्मीदवार थे तो उसमें से एक तो जीतने वाला होगा और दूसरा हारने वाला होगा। ये कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार है जिसको 62% मत प्राप्त हुए, मतलब जीतने वाले को 62% प्राप्त हुए तो हारने वाले को 100 में से 62 घटा दोगे आपका बचाएगा 38%, यानी जो जीतने वाला है उसको कुल मिलाकर 24% अतिरिक्त मत मिले, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 24% मत है वो 144 के बराबर है क्योंकि जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 62% मतों के साथ 144 मतों से चुना गया, यानी उसे 144 अतिरिक्त मत प्राप्त हुए। तो 24% 144 मतों के बराबर है। आपसे पूछा था कुल डाले गए मत कितने हैं, तो हमने माना था कुल डाले गए मत जो है वो है 100%। तो जब 24% 144 के बराबर है
तो 100 प्रतिशत किसके बराबर होगा, 144 डिवाइड बाई 24 गुणा 100, ये इसको काट देगा 6 बार और 6 इंटू 100 हो जाएगा 600, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या जो थी वो हो जाएगी 600। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों।